आप में कितने लोग मैरिड हैं प्लीज बता दें, मैरिड कितने लोग हैं? पारुल जी आप भी, आप में से आपके घर में कोई मैरिड है? मेरे मम्मी पापा। अरे वाह, ऑब्वियसली ये तो हम सरप्राइज भी गैस नहीं कर पाते। अगर आप डमशराज खेलते ना हमारे साथ एक घंटा, तब भी हम गैस नहीं कर पाते कि कौन है मैरिड। ये तो सरप्राइज निकला, और नहीं होते तो एकदम से फिर तो हम और सरप्राइज हो जाते। पायल जी क्या करती हैं आप? डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर, कौन से डॉक्टर हैं आप? होम्योपैथिक डॉक्टर। उन्हें मैं डॉक्टर कंसीडर नहीं करता, बट आपके मन के लिए मैं कुछ बोल नहीं रहा आपको। मैं बार-बार मन में एक बार ट्राई कर ले रहा हूं। हाँ मैं खांड की गोली, जब रात में जो मीठा खाने का मन करता हूँ खाता रहता हूँ बोले। मैं तो अपने घर वालों की सबकी खा लेता हूँ, कहता मीठा पढ़ाई करी बस, होम्योपैथिक की दवाइयां पड़ी, मैंने कहा वो दे दो, चार खा लेता हूँ मीठी गोलियां। पर कैसे मतलब, पर आप सच में लोग ठीक होते हैं इससे, या मतलब ये अंधविश्वास है? ये ठीक होते हैं, मतलब ठीक होने, मरने के बाद ठीक होते हैं या मरने से पहले ठीक हो जाते हैं एक दो दिन पहले? पूछ रहा हूँ यार, ऐसे मजाक नहीं, तो सीरियस पूछ रहा हूँ मैं। नहीं मैम, पर मेडिसिन अच्छी है, मैं मजाक नहीं कर रहा। आप मुझे बस वो मेडिसिन का नाम लिख के दे दो जो हम सब खा सके जब भी फ्री हो, इससे वेट ना बढ़े, वेट ना बढ़े। जो चॉकलेट के ऊपर डाल ले हल्का सा बुरे की फॉर्म, बुरे की फॉर्म में डाल दें, बुरे की फॉर्म में मजा ही आ जाए, मजा ही आ जाए, एकदम बुर्रा करें उसका, बुर्रा ऐसे करके निकल जाएंगे। बट कोई बात नहीं, चलो ठीक है। जी जी क्या स्टेटस है आपका? शादीशुदा है? सिंगल? शादीशुदा तो नहीं है आप, क्या स्टेटस है आपका? सिंगल, 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 क्या नहीं, कितने सिंगल हो गए सर, कितने सिंगल हो आप? चार पांच बार बोला आपने सिंगल। हर साल का आपने, हर साल का कैलकुलेट कर लिया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं राधिका से नहीं पूछूंगा कि राधिका तो काफी बे इंतहा सिंगल है। चौधरी जी, चौधरी जी हवाई काफी सही, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी जगह पहुंच गए सर आप। भगवान, आप भी इंजीनियर है क्या? वहाँ पे इंजीनियर है वहाँ पे? हाँ भाई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। बस आप ना मुझे बिल्कुल पंजाबी सिंगर की तरह लग रहे हो। कौन सा? एक कौन सा वाला मुझे वो याद नहीं है, बट मैक्सिमम सारे एक जैसे ही दिखते हैं। मतलब सबके बाल ऐसे ऊपर खड़े होते हैं, एकदम दाढ़ी एकदम ट्रिम्ड होती है। तो आप भी, मतलब मुझे नहीं पता कि आप अपने बालों को सेट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हो, बट मैं आजकल यूज कर रहा हूँ फाय की क्ले, बेहतरीन प्रोडक्ट है। मतलब एक बार आप ट्राई करके देखो, इतना स्ट्रांग होल्ड है एकदम से, और मैट फिनिश, और उससे बड़ी सबसे बड़ी बात है कि 100% वीगन प्रोडक्ट्स हैं। तो एक बार आप ट्राई करके देखो, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए मेरा बाल, मतलब मेरा बाल भी कोई बागा नहीं कर सकता, ऐसा हालत हो रखी है। और सुपर बात यह है कि डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है, इन्फ्यूज्ड विद प्लांट एक्टिव्स और सिंथेटिक पॉलीमर्स फ्री है। तो अगर आपको अवेल करना है 15% डिस्काउंट, तो डिस्क्रिप्शन में दिया मैंने कोड, अप्लाई कीजिए और फिर आपका भी कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो राधिका जी, हाँ आप बताइए कि आप क्या करती हैं? हाँ जी, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ, मैं इंजीनियर बनकर अब डेटा साइंटिस्ट बन रही हूँ। हाँ, तो इंजीनियर्स को क्या होता है कि इंजीनियर्स को बाद में रियलाइज होता है कि हमें दुनिया में कम्युनिकेट भी करना है, उसके लिए वो एमबीए करते हैं, कोई और कोर्स करते हैं। हाँ। बट कोई बात नहीं। राधिका फिर कैसे चल रहा है? नहीं अभी तो ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे मिलते ही नहीं है, कोई इंसान ही नहीं मिल रहा है हमें। हे भगवान, तो डेस्परेटली फाइंडिंग। तो हवाई चलेगा, हवाई में चलेगा लड़का? हवाई में? हवाई बहुत अच्छी जगह है, देख रहा हूँ। आकांक्षा, आकांक्षा जी आप अपने पति पे फोकस करो बस। आप आप वहीं फोकस करो। नहीं नहीं नहीं, ये राधिका हवाई चलेगा देख लो, तुम्हारे को बता दिया उन्होंने, वकालत भी कर दी कि मतलब सही है, देख लो। मैंने सर लड़का ही नहीं देखा, जब तक मैं लड़का नहीं देखूंगी तो मुझे पता कैसे लगेगा कि सिक्स पैक वाला चाहिए, सिक्स पैक वाला लड़का चाहिए, सिक्स पैक वाला? हाँ सिक्स पैक वाला चलेगा मुझे। ठीक है विजय, आप आओ 3-4 महीने बाद आओ वापस, मैं बात करते हैं फिर। ओके सर, डन डन। देखो आकांक्षा जी को कार्ड जरूर देना अगर बाय चांस तुम्हारी शादी हो जाए। प्लीज बिल्कुल। और हवाई की टिकट भी देना क्योंकि उनको बहुत पसंद है वो हवाई। ठीक है आकांक्षा जी, मैं तो बोल रही हूँ विजय देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बातचीत करनी चाहिए दोनों को। अरे नहीं नहीं मैम, नहीं नहीं ये मतलब ये जो मेरी मम्मी बन रहे हैं ना, बस बस। अरे ये होता है जिनका खुद बस जाता है ना घर, वो माता बन जाती है, उनको समाज की शादी करानी है, कह रहे हैं हम समाज को बर्बाद करके रहेंगे, हम समाज को बर्बाद करेंगे, कोई भी सिंगल लड़का दुनिया पे रोड पर खुश नहीं दिखना चाहिए, उनको शादी करा के मानेंगे। कोई बात नहीं आकांक्षा जी, मैं समझ सकता हूँ आपके अंदर फीलिंग। बे इंतहा सिंगल है। मैं क्या करूं, मैं को बताओ क्या क्या कर क्या सकते हैं, कुछ सलूशन? कोई नहीं, आप होम्योपैथी लो, आप होम्योपैथी ट्राई करो।
मैं अपने बेस्ट फ्रेंड ऐसे जज करता हूँ, आपको कभी मौका मिले प्लीज चेक करिएगा, बट कोई बात नहीं। हाँ तो मैं दादा, अच्छा आपसे काफी लोग गिफ्ट के साथ जज करती हूँ। अरे आप मेटेरियलिस्टिक, बिल्कुल मेटेरियलिस्टिक हो ना, मैं समझ गया था। देखो जो सबसे बड़ा लड़कियों वो आप वो लड़के, हाँ सबसे बड़ा गिफ्ट देगा, देख रहे हो, चाहे वो डब्बे के अंदर थर्मोकोल भर के दे दे आपको, आपको बड़ा गिफ्ट सीखा था। ये वो लड़कियां जिनसे पूछो कि एक किलो पानी, वन केजी या वन लीटर पानी भारी या एक किलो रुई भारी, तो वो बोलेंगी पानी भारी। नहीं देखो सर, वो नहीं, वो मुझे पता है कि दोनों सेम वेट होंगे, बट जो ओह माय गॉड ज्यादा बड़ा देगा वो ऑब्वियसली अच्छा दोस्त होगा, क्योंकि उसने ज्यादा पैसे स्पेंड करे हैं तुम पे और वो ज्यादा सोचता है तुम्हारे बारे में। बेसिकली साइज मैटर, ज्यादा पैसे होंगे क्या पता सबका प्रेशर उसके पास ना हो, ये बात भी है। कोई बात नहीं, तो उसने डेफिनेशन फिक्स, उसकी डेफिनेशन फिक्स है, जो जब जो बड़ा गिफ्ट देगा वो बेस्ट फ्रेंड है, बात करता हूँ वो सॉर्टेड है। तुम्हारी प्रॉब्लम है, वो तुम्हारे पास नहीं है पैसे, तुम्हारी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है वो। उसका हर साल एग्जाम होता है, बर्थडे पे एग्जाम ले लेती है सबका, जो गिफ्ट बड़ा देगा ये मेरा बेस्ट फ्रेंड इस साल का बेस्ट फ्रेंड ऑफ द ईयर। Yes, true. बट राधिका सबसे अच्छा बड़ा गिफ्ट आज तक क्या मिला आपको, मैं जानना चाहूंगा, आप क्यूरियस हैं जानने के लिए। मुझे बैग मिला पिछले साल, एक बहुत अच्छा। तो बैग पैक का ट्रैवलर बैग तो मैं दिलवा दें आपको, इतना बड़ा करोल बाग में कितना बड़े बड़े मिलते हैं बैग। ट्रैवल बैग नहीं था, इतना बड़ा बैग हो कि तुम्हारी लाश भी पैक करके ऐसे बग जिप करके पैक कर दें उसमें, ऐसा बैग। वो शोल्डर बैग था, तो बहुत अच्छा था और प्लान का था। तो ठीक है दोस्तों, तो मतलब यहाँ पे आज तुम कोई दोस्त लेके नहीं जा रही आज, इसका मतलब जसप्रीत ने तो अपना फटाफट बैंक बैलेंस चेक किया, कह रहा नहीं मैं तो नहीं खर्च करना चाहूंगा। फटाफट उसने अपने अकाउंट में देखा, कह रहे नहीं आप रहने दो, आप खुद ही लिख के आ गया, आईसीआईसी ने खुद लिख दिया, कह रहा आप रहने ही दो। आपको साथ गलत रहता हूँ। बरुआ जी कहाँ से है आप? आसाम से। अरे बाकी सब वहाँ पे कंट्रोल में सब कुछ अभी? कुछ भी नहीं, पर आपको देख के लग रहा सब कंट्रोल में है, यही बात है आपकी। क्वारंटाइन हूँ अभी। और अरे क्वारंटाइन में आपको होम्योपैथी की दवाई चाहिए तो मामा डॉक्टर अवेलेबल हैं अभी। तो राधिका रो पड़ी, कह रही मेरी कब शादी होगी, इसकी मम्मी का सपना यही है कि शादी करानी है। शैन जी की मम्मी है नीचे, मैम आप ढूंढ रहे हो शैन की लड़की आप कोई? शैन कनाडा आ जाएगा, शैन का पासपोर्ट ये कल ही बनवा लेगा ये। बोलो तो अभी निकल रहा है शेन, निकलो तुम पासपोर्ट के लिए निकलो। तो आंटी और की बहन देखी डॉक्टरी कर लेगा, 5 साल का कोर्स कर लेगा, ये क्रैश कोर्स कर लेगा। आप बताओ, आप लिस्ट बताओ, आप लिस्ट बताओ। हाँ डॉक्टर होना चाहिए पहले, डॉक्टर दिल का डॉक्टर है वो, दिल का डॉक्टर है तुम्हें खुश रखेगा, दिल का डॉक्टर है वो। हाँ बताओ। नहीं डॉक्टर होकर तो वो इंटेलिजेंट तो होगा ही, दैट इज अ कॉन्सिक्वेंसेस ना। चलो ठीक है मान लिया मैंने, से स्मार्ट भी होना चाहिए, लंबा भी होना चाहिए, और लंबा पंखे ये 6-7 फुट का ये घर में आता नहीं है, इसको फोल्ड करके रखा, फोल्ड करके रखते हैं हम घर में, इसको फोल्ड करके बैठाया, फोल्ड करके बैठाया हुआ है। और बताओ लंबा, स्मार्ट की तो कमी, स्मार्ट की कमी क्या दिख रही है आपको, देखो कैमरे के पास स्मार्ट, प्लीज आगे और क्वालिटी बताओ, लास्ट क्वालिटी। और हाँ। खाना अच्छा बनाता हो, खाना क्योंकि... भटूरे ऐसे लगाता है, नान तो ऐसे लगाता है ये, नान तो ऐसे लगाता है। अब टेंशन क्या बात कर रहे हो, आंटी की सेहत नहीं देख रहे, आंटी की सेहत खुद ही बना के खिला रहा है आंटी को रोज, आंटी बना लेता खाना ये अच्छा, पानी तो क्या उबालता है मानोगे नहीं, आपको कोई उबाल नहीं पाता पानी जैसा, इसके हाथ का पानी पी लो, उबला हुआ पानी, आप बाय गॉड मजाक में पानी पीना छोड़ दोगे, यही पानी पीना है। एक बार इसे खाना बनाया था, बाय गॉड लोगों ने उंगली चाटते रह गए एक दूसरे की। और बताओ और क्या क्वालिटी, सारी क्वालिटी डिफीट कर रहा है, डिफीट अबंडेंस में इसके पास सब कुछ। आप बताओ, और साथ में गिटार भी बजाता हूँ और लिखता भी हूँ। बजा लेता है। और बताओ राइटर भी हूँ। अच्छा राइटर पेन, ये कौन सा बंदर है, पेन चलाना जानता है, इसको चलाना आता, लिख देगा कुछ भी यार, उसमें क्या है। नहीं और बताओ, अरे आज सारी क्वालिटी मिल रही है भाई, आज मिल रही है, देखो दोस्तों सब क्वालिटी फुलफिल हो रही है, नहीं हो रही है बताओ। We want justice for Sayan. ऐसा नहीं होता यार, गलत है यार ये।
आप ही राधिका, ये तो टू मच है। हाँ बस आंटी ने बोला, आंटी कह रही चुन्नी भेज दूं सरगी की। राधिका और कोई क्वालिटी बताओ, तुम ऐसे कोई भी क्वालिटी नहीं बता पाओगे, इसमें कमी नहीं है, ये भंडार है भंडार। अच्छा और बोलो, फिटनेस फ्रीक हो, क्योंकि मैं रोज एक्सरसाइज करती हूँ, मुझे फिटनेस वाला बता दीजिए। वो इंस्ट्रक्टर ही है, वो इंस्ट्रक्टर भी है, शाम को पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर हो। उसकी उसकी वी बॉडी नहीं, उसने यू बनाई है, यू जानबूझ के बनाई है उसने यू बॉडी। हाँ और बताओ राधिका, नाउ नाउ इट्स टू मच। उसने अभी एक क्वालिटी भी नहीं बोली, उसने कोई क्वालिटी नहीं रखी, उसने एक क्वालिटी एक्सचेंज नहीं रखी, तुम ही कर रही हो सब चीजें बातें। आप बताओ और क्वालिटी बताओ, और गिराओ। हाँ प्लीज। हाँ but I'm not single. देखो इतना सब कुछ, इतना सब कुछ, ऐसे फिर ये इंसान थोड़ा ना, मैं तो भगवान हो जाएगा। ये तो बहुत ज्यादा चीजें थी मेरे को, मतलब ऐसे सब थोड़ा थोड़ा चाहिए। इसने तुम्हारे लिए जन्म लिया, इस जन्म में, इसने कलयुग में जन्म लिया तुम्हारे लिए, उसने ऐसा बन के। ये जूम शो तो माध्यम है, माध्यम है दो इंसानों को मिलाना। हम गाना गाएंगे दो दिल मिल रहे, और ना किस शो में बताओ, मम्मी बैठी है, बहन बैठी है, सब बैठे हैं, बस आप हाँ बोलो, 15 मिनट में ब्याह होके खत्म काम। और बताओ, ये देखो दो तीन लोग शादीशुदा बैठे हैं, वो खुद देख रहे हैं। पंकज जी आपको कितना टाइम लगा था लव मैरिज में, मतलब शादी करने तक के, लड़की को पसंद करना, ढूंढना, डेट करना, उसके बाद कितना टाइम का सफर था ये? क्या बात कह दिया आपने, प्यार की कमी है, आपको कैसी बातें कर रहे हो? जब कुत्तों से इतना प्यार कर सकते, आपसे तो पूछो मत। ये वो वाला प्यार करेगा, कह रहा मैं तुम्हें शिद्दत से चाहूंगा, शिद्दत से चाहूंगा, ऐसा वाला, ये ऐसा वाला इंसान है यार। और क्या चाहिए तुम्हारे को यार? राधिका राधिका आप तुम ज्यादा ओवर ओवर। यश जी बताओ, गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल परफेक्ट मिल गया, बताओ। आप तो हाँ हेवन, ये नोएडा है, कोई दिक्कत नहीं है। शैन कहाँ से दिख रहे हो? शैन कहाँ से हो? शैन कहाँ से दिख रहे हो आप? मुंबई। मुंबई आ जाएगा कल की फ्लाइट, अभी सुबह की फ्लाइट, खुद अपना प्लेन चला के आ जाएगा, खुद प्लेन चला के आ जाएगा, अपना कोई टेंशन नहीं है। राधिका अब टू मच है, अगर आप तुम देख लो, तुम दोनों को हमने मिलवा दिया, देखो हमारा काम था मिलवाना, समझो, तुम्हारे स्टार्स मिल रहे हैं, देखो उसके पीछे स्टार लगे, तुम्हारे स्टार मिल रहे हैं इससे। मर्जी भाई राधिका, देखो मैं आप अगली बार कभी शो में आना, फिर मुझे बोलना कोई लड़का से मिलवा दो, मैंने मिलवा दिया। डॉक्टर पता है, डॉक्टर बहुत ज्यादा जरूरी क्वालिटी है, क्योंकि मेरे सारे घर वाले डॉक्टर है, फिर वो एक्सेप्ट नहीं करते, तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी ये बात है, मैं देखना चाहता हूँ। इस बात पे शैन अगर मना कर देना, कह रही मैं ठुकरा के तेरा प्यार, मैं इंतकाम लूंगा, ऐसा कर दे बंदा अभी, तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। लड़की में क्वालिटी बताओ, तुम्हें क्या चाहिए क्वालिटी? एक क्वालिटी बताओ लड़की में। वो कहता मेरे पास है। तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें क्या हो गया? स्टेपनी में रखी हुई है, तुम्हें लगता है एक एक्स्ट्रा फोन, तुम नहीं रखते एक्स्ट्रा फोन है, कभी कभी पांच जाए, इसका काम ना कर, दूसरा फोन रख लिया आदमी, ऐसे में क्या हो गया, इसमें गलत बात। चलो ठीक है, मतलब मैं स्टेपनी हूं, वाह। नहीं नहीं, तुम पहला वाला फोन हो, तुम आईफोन 12 हो, वो आईफोन 11 उसके पास है, 12 तुम हो। बहुत डीप दिल पे लगी बात मेरे, यार हद हो गई। इतनी एक होता है, इतनी सारी क्वालिटी बंदे में, एक आध ऐप तो चलता है ना भाई, एक आध ऐप तो चलता है ना, मरवा मरवा देना। चलो कोई बात, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे को आप मतलब ऐसे स्टेपनी थोड़ी ना लड़की, नहीं नहीं नहीं, नहीं। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आपके पास दो ड्रेस हैं, एक पुरानी ड्रेस खरीदी थी आपने पिछले महीने, और अभी एक ड्रेस खरीदी है, आप कौन सी ड्रेस पहले पहनोगे? पहली वाली, लास्ट वाली पहनोगे? लास्ट वाली, दैट इज माय पॉइंट, दैट इज माय पॉइंट। थैंक यू मिलॉर्ड, प्लीज अटेंड द कोर्ट प्लीज। आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया, आपको पता है आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। मिलॉर्ड त्राही माम, त्राही माम। चलो ठीक है, कोड कोड इज अर्जेंट, कोई बात। अरे राधिका कोई बात नहीं, मजाक कर रहा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए कोई बात नहीं। सेन
विद हैवी हार्ट छोड़ दो, जाने दो हाँ विद हैवी हार्ट जाने दो, भगवान तुम्हारे लिए रखेगा। डॉक्टर अंकुर जी आप मैरिड हैं, सिंगल है, क्या हैं आप? सिंगल है। अरे आपकी कोई इतनी खुशी का ठिकाना देखो, जैसे बोला डॉक्टर लड़का चाहिए, ये दो मिनट नाचे, इन्होंने बाल बाल काट के आए हैं, बाल बाल काट के आए हैं वापस। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आपका कैसे नहीं, आप शादी में इंटरेस्टेड हैं, क्या कर रहे हो? लास्ट क्या मतलब इन द लास्ट क्या बात है? वही वही मैं राहुल जी को तड़पा रहा था ताकि ताकि जल जाएं ये। अभी शो में आए थे तो देखो यार वो डॉक्टर डॉक्टर बोल रही है। वही तो कह रहा हूँ सर, देखो देखो इतना इतना तुमने डॉक्टर डॉक्टर कर दिया राधिका, राहुल खुद जाते हैं कि मैं खुद डॉक्टर ही करूँ दोबारा से। बस कोई बात बहुत खुश हूँ। अरे नहीं सर, भगवान करे, गिव अ ग्रेट अप्लॉज टू ईच ऑफ यूर, गिव अ ग्रेट अप्लॉज सबके लिए यार, सब लोग बहुत प्यारे हैं। कोई बात नहीं शैन, कोई बात नहीं, मैम रोइए मत आप, शैन की मम्मी रोइए मत प्लीज, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है आंटी, सॉरी सॉरी आंटी, मतलब मैं मतलब वो नहीं था, तुम्हारी एक्स सास थी, एक्स सास चली गई। आपको देखना चाहिए था ना कि उसकी मम्मा है वहां पे, तो आप ऐसी चीजें ना पूछते। आंटी ने तो अपने अपने यहाँ साइड से मंगलसूत्र भी निकाल लिया था। आंटी तैयार थी बिल्कुल, आंटी के इमोशंस खराब हुए हैं, मतलब बुजुर्ग बुजुर्ग यही तुम गलत करते हैं मैम, आजकल की पीढ़ियां ऐसी होती हैं मैम, ऐसी होती हैं आजकल की पीढ़ियां, आजकल की जेन एक्स है ना, जेन एक्स और जेन जेड, ये सब बेकार है ये। आंटी कहीं माफ किया, बड़ा दिल देखो कितना बड़ा दिल है उनका, माफ किया उन्होंने, कहीं जा मर। आंटी क्यों गिव अ ग्रेट अप्लॉज फॉर हिज मॉम यार, गिव अ ग्रेट अप्लॉज मैम के लिए। मैम आपका नाम क्या है? मैं आपका नाम नहीं जानता, पर नाम प्लीज नाम जानना चाहूंगा आपका। शंपा, शंपा का मीनिंग क्या होता है प्लीज मैम बताएंगे? शंपा मैम नाम क्या होता है? इसका मीनिंग इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक देख रहे हो, लाइटनिंग, एक्चुअली लाइटनिंग। हाँ मैडम बिजली करके गिरा देती। राधिका मैम टेलिंग यू, यू आर लूजिंग अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इलेक्ट्रिकल अपॉर्चुनिटी। हाँ थोड़े दो मिनट में लगा था शादी हो के मानती मैम, तो यहाँ पे इतिहास है। पायल पावर देखिए आपने अपनी कितनी, आप 10 मिनट में लोगों को कन्विंस कर सकते हो। और तुमको तो नहीं कर पाया ना, मैं आखिरी में मैं ही हार गया ना, मैं तो मैं तो चाहूं तो शैन को भी किसी लड़के से भी सेट करा दूं, मेरी इतनी कन्विंसिंग पावर है। आप ट्राई बोलो बोलो, कोशिश कर रहा हूं, बोलो एक बार ट्राई कर दूं, बताओ मैं एक बार। हाँ करो, मैं देखना चाहती हूं आज, टेस्ट योर लिमिट्स। नहीं नहीं शैन, शैन के एक शैन एक दिन में एक ही रिएक्शन दे सकता है, हर किसी को रिएक्ट नहीं कर सकता, शैन भी इंसान है, उनके पेरेंट्स हैं, ऐसा नहीं तो नेशनल टीवी में मजाक होगा उनका, ऐसा नहीं होगा। मैम कोई बात नहीं, आज एक दिन में एक रिजेक्शन, इट इज गुड फॉर हेल्थ, पता है कि हेल्थ सही रहती है आपकी। आपका नाम पर मैं भूल रहा हूँ, नाम क्या था आपका? शिवानी। शिवानी ओके, शिवानी मैं कोशिश करूंगा मैं याद रखूँ, क्योंकि मैं लोगों के साथ नाम थोड़े से खराब बोलता हूँ, मैं लोगों का नाम खराब बोलता हूँ मैं बहुत ज्यादा उन लोगों के। नहीं मेरा बहुत ईजी है, पर हाँ मेरे लिए कोई भी चीज ईजी नहीं है। मैं आसान चीजों को भी टफ बनाता हूँ, गुरजोत और क्या कहते हैं वो सब मस्त कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। राघव खन्ना जी दो लोग बैठे हैं। राघव जी आप दोनों मैरिड हैं शायद? मैरिड है दोनों आप दोनों? एक तो आप इतने दूर से दिख रहे हो कि हमें दिख ही नहीं रहे हो आप। अभी तो आपने एक शादी बिल्कुल चूके हो, मतलब मुझे दुख हो रहा है कि हमें बिल्कुल शादी होते होते हम लोग बिल्कुल वापस आए वहां से, मतलब आपके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हो अपने आपस में भी और हमसे भी, ऐसा गुड मैम गुड। बट क्या करते हैं दोनों पति, कहां से देख रहे हैं आप दोनों शोज? दिल्ली। दिल्ली, दिल्ली में कहां से, कौन सा जोन, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट? चलो हाँ साउथ वाले लोग ही ऐसे बैठते हैं आराम से, आराम से, वरना हमारे नॉर्थ वाले तो एक ही जगह पे दो फ्लोर पे दो सोफे बैठे होंगे, दो नीचे बैठे होंगे, दो साइड में हैंडल पे चढ़ के बैठते हैं। बट गुड मैम गुड। राघव जी बताइए कैसे मिले थे आप, बता दीजिए इनको, इनका सवाल है राधिका का प्लीज। 6th में मिले थे फर्स्ट टाइम, ओके, और 4 साल तक मैंने इनको प्रपोज किया, 10th में आके इन्होंने हां बोल लगातार, और तब से लेके अब तक, मतलब जब आपकी ऑफर, जब आपकी प्रपोज होने की ग्रेजुएटी हो गई थी, आपने कहा 5 साल का ग्रेजुएटी हो गई है, अब आप इसको मैच्योर कर दीजिए पॉलिसी, और उन्होंने मैच्योर कर दी आपकी। वेरी गुड सर, ये होता है देखो डेडिकेशन, 5 साल बाद 5 साल तक लगातार, मतलब रांझना मूवी आप पे बनी है। 15 साल हो गए अभी, अरे शादी हुई, शादी क्या हुई, लास्ट लास्ट
और 15 साल आपको जानते हो, अगर आप 6 से जानते हैं एक दूसरे को तो 6 में आप रहे होंगे करीबन करीबन 12 साल के, नहीं 11 साल के, 11 और 15 मतलब 26 27 साल हो गए की एज 30 तो बीच में क्या फेल हुए थे 3-4 साल आप क्या चक्कर था? नहीं नहीं इंटरेस्टिंग है, मैम के हाथ में चूड़ा दिख रहा है, मैम आपके हाथ में चूड़ा है क्या अभी भी? हां जी तो कितना उनके हाथ में दिख रहा चूड़ा तो उस वाले हाथ में देखो हमें लगा चूड़ा पहना था आपने, हाँ वो दूर बैठे हो ना तो हमें लगा चूड़ा ही है। अरे पता है मुझे यार, हमें जी पता है राधिका तुम्हारे लिए मैंने डूड फिटनेस डूड पहना था, फूटनेस डूड समझ रहे हो, ये बंदा कभी ऐसे बैठ नहीं पता चाइल्डहुड वाला जो लव होता है ना वो ज्यादा इनोसेंट होता है। तो शैन जाने को राजी है स्कूल में दोबारा से 6 से, चलो चले जाओ। अरे कोई बात नहीं शैन, कोई बात नहीं शैन, कोई बात नहीं शैन, आपकी गर्लफ्रेंड भी मॉडल वॉडल है, फिटनेस फ्रीक है वो भी? नहीं नहीं नहीं, शी इज अ साइकोलॉजिस्ट। ओ देख रहे हो, तुम्हारा ट्रीटमेंट भी कर देंगे दोनों मिलके। फिटनेस का वो देख लेगा, दिमाग का वो देख लेगा, हो गया आदमी का काम, बस क्या दिक्कत है जिंदगी में, हो गया बस। बता रहा हूँ इनके घर में रहोगी खुश रहोगी। अभी भी बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, मर्जी तुम्हारी है बाकी, चलो ठीक है। मेरे घर में कुछ जल रहा है मुझे लगता है, I don't know। क्या आपके घर में कुछ जल रहा है? मुझे लगता है अभी फायर अलार्म बज जाएगा। नहीं प्लीज आप देख लो, प्लीज रिस्क मत लीजिए प्लीज मैम, आपका दिल जल रहा है वो तो मुझे पता है। तो प्लीज चेक करो, हमें क्यों बता रहे हो, हम क्या कर लेंगे आके बताओ, हम क्या करेंगे वहां आके? हाँ आप म्यूट करके देख के आ जाओ ना, ऐसे हमें बता रही है समथिंग इज बर्निंग, तो हम थोड़ी ना पहुंच जाएंगे मुंबई से, अभी प्लेन थोड़ी उड़ा के निकल जाएगा पड़ोस में। हाँ वो अगर उसको थाने शैन को मुंबई से थाने भी जाना पड़े तो भी 2 दिन लग जाएंगे उसको। गुड कोई बात नहीं, मैं समझ गया। अब राहुलेंद्र जी मजा आ रहा है, राहुलेंद्र जी अब चिल करो आराम से, आप चिंता मत करो, शो के अंत में ब्याह होगा किसी का, आप चिंता ना करो। राधिका जी मांगे इसीलिए कह रही है, आपकी कन्विंसिंग पावर किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। वो कन्विंस हो जाते अगर स्टेपनी की बात नहीं की होती तो। आई टेक माई वर्ड्स बैक, अगर उस बात से बुरा लगाओ तो शैन को बुरा लगाओ तो मैम क्या बोल रहे हैं, मैम संपा मैम क्या बोल रहे हैं? कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, वो ही कैन मूव ऑन। शैन क्या करते हो आप पैसे बेइज्जती कराने के अलावा? क्या हो गया इसमें यार तुम लोग? हाँ I'm a celebrity fitness instructor. Oh my god. Golden opportunity seriously missed. ठीक है चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, अब आगे कहानी मतलब कहानी से इसमें होगा कि अब सब लोग इंटरेस्ट हो गए, शादी हो ही जाए, इतने कन्विंसिंग है ना हम सब सारे, हम चाह रहे हैं कि तेरी शादी हो जाए, ऐसा चाह रहे हैं हम सारे। अब देखो वैंकूवर अंकित, अंकित जी ने तुझे 3 बार मैसेज कर दिया कि करवा दो ना प्लीज, अंकित ने 3 बार मैसेज लिखा है कह रहे करवा दो तो 101 रुपए की अरदास मेरी तरफ से आज के दिन, 101 रुपए की अरदास। अंकित जी तो एक तरफ बैठ के देख रहे हैं, दूसरा देख नहीं पा रहे, इधर कह रहे हैं नहीं मैं देख नहीं पा रहा रिश्ते हो रहे किसी के हमारे वैसे। अंकित जी से आप मैरिड है सिंगल है क्या आपका? सिंगल देख रहे हो क्या क्या तुमने तो क्या खोया, तुमने हीरा खोया तुमने, क्या बताऊं तुम्हें, एक हीरा हमारे जो कोहिनूर वाला हीरा ले गए थे वो ब्रिटिश ले गए थे और आज ये दूसरा हीरा खोया है हमारा बस। बट चलो ठीक है आगे आगे कहानी बढ़ते, ठीक है हो गया मजा ठीक है इसको कहानी बढ़ते हैं, बट गिव अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज, आपस में ताली बजा सकते हो एक दूसरे के लिए यार, मजा ठीक ठाक ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है, चलो ठीक है आपने ऐसी बातें कर दी वैसे उठपटांग बट ठीक है। डॉक्टर अंकुर सबसे दुखी दिख रहे हैं, सबसे दुखी डॉक्टर अंकुर है, राजस्थान छत्तीसगढ़ दो गए, आप मैरिड है हेमंत जी? नहीं। तो क्या विचार है आपका शादी के ऊपर? मैं आपकी तरह लड़कियां देख रहा हूँ। आपकी तरह लड़का देख रहा हूँ जो मुझे लपेट चलना अपने साथ में ताकि बच जाए मैं कुछ बोलना पाऊँ उनको, आपकी तरह आपके तरह। हेमंत जी बहुत ही बढ़िया, आप मैथ्स के बिल्कुल टीचर लगे जबर। राधिका जल तो नहीं रहा कुछ?
दिल के अलावा तुम्हारे पराठे बना रही है वो नीचे मेरी एक रूममेट, तो वो मैंने उसे बोल दिया चिमनी चला दो प्लीज, नहीं तो आंटी आ जाएगी। अभी शेन होता ना, अभी शेन होता था तुम्हारे को तो ओट मिल का, ओट्स का चीट, ओट्स का, हाँ ओट्स का चीरा खिलाता तुम्हारे को अगर आया शेन होता अभी तो। ओट्स के सैलरी वाला जूस पी लिया है, मैं तो वो खा रही हूँ, मैं पराठे नहीं खा रही, मैंने जूस पी लिया। शेन इग्नोर, अरे डॉक्टर साहब तो आपके लिए शायरी लिख रहे हैं पेपर पे, देखो डॉक्टर साहब शायरी लिखने बैठे हैं, शायरी लिख रहे हैं पेपर से, थोड़ी देर में पूरी शायरी लिखेगी राधिका हे ऐसे लिखेंगे, वो पेन लिख के शायरी लिख रहे तुम्हारे लिए, इम्प्रेस करके भेजेंगे तुम्हें थोड़ी देर में, देखना राधिका तो राइटर भी चाहिए थे। हाँ तो राइट बन गया वो बंदा, यही होता है सब, देख रहे हो राघव जी प्यार क्या क्या करा देता है। आदमी की शो से पहले राइटिंग खराब थी, राइटिंग खराब थी, अब देखो राइटिंग में लिख रहा है प्रॉपर, राइटिंग इंप्रूवमेंट करके राधिका लिख रहा है, राधिका ऐसे पेपर पे लिखा है टिश्यू पेपर पे, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम उस पे तेरा। उन्होंने शो के स्टार्टिंग में ही पेन पकड़ा हुआ था, तो मैं तो कोई रीजन नहीं हूँ। तो बेसिकली आप शुरू से देख रही हैं उनको, आप शुरू से स्टॉक कर रही हैं आप। मुझे ये बताओ, मुझे बताओ शेन ने शुरू में क्या पकड़ा था, शेन ने क्या पकड़ा था शुरू में? वो उनके साथ उनके फादर बैठे हुए थे और वो साइड पे ही थे, बहन बैठी थी और बहन के वहां पे पापा बैठे हुए थे। हाँ पापा बहन और वो बैठे हुए थे, आई एम नॉट से एवरीवन, पापा वो नहीं बैठे थे, पापा वो अब वो मतलब देख रहे हो तो एक्स ससुर। चलो चलो ठीक है मजाक कर, राधिका प्लीज मैं राधिका गिव अ ग्रेट अप्लॉज, राधिका राधिका प्लीज गिव अ ग्रेट अप्लॉज, राधिका बहुत ही प्यारी स्वीट 23 ओल्ड यंग डायनेमिक एंड बहुत ही प्यारी लड़की, एंड आई एम जस्ट विशिंग यू ऑल द बेस्ट राधिका। जैसे श्रेया कितनी बैठी, श्रेया कितनी सीरियस होकर बैठी हुई, श्रेया श्रेया तो जितनी सीरियस होकर बैठी सावधान बैठी करी, मैं ऐसे ही बैठूंगा श्रेया, इट्स फाइन। बट लाइक बहुत ही ना होते ना कई लोग होते हैं जो बहुत ही काम कंपोज होते हैं, जैसे आप हो गए, दीपिका पादुकोण हो गए, ये ना ऐसे लोग हैं जो बड़े वैसे हैं, मतलब एकदम देखते हैं ओह माय गॉड। और राधिका को देखता हूं तो राजपाल यादव ज्यादा आता है मुझे। तुम लोग मजाक कर, प्यारी लड़की को भी नाम ले सकते थे, नहीं पर आपने नहीं लिया। मैं झूठ क्यों बोलूं बताओ, शनिवार के दिन पहला नवरात्र है, पहला नवरात्र के दिन झूठ तो मत बोलो ना, मैं बोलूं अच्छी, मैं शुरू में झूठ बोल देना जितना बोल सकता था एक लाइन में, बट चलो ठीक कोई बात नहीं। शेन मैं बता रहा हूँ, शेन अभी तक खिला नहीं है, एक बार भी पानी पीने के लिए नहीं उठा एक बार भी, ताकि वो कहीं से तुम्हारी आंखों से निकल ना जाए। आंटी ने अपने हाथ में नीचे जो एक हाथ, आंटी का एक हाथ निकला उसमें मंगलसूत्र पकड़ा हुआ है, आंटी ने मंगलसूत्र रखा हुआ है कि जैसे ही होगा वो यहीं से फेंक देंगी, एक हाथ दूसरा निकाल के नहीं दिखाया एक बार भी तक, एक वहां से हंस रही, अब निकाला इन्होंने ऐसा। उस अंकल कहां गए तुम्हें, अंकल कहां गए, अंकल सामान लेने गए तुम्हारे लिए। अंकल निकल ले एकदम 24/7 निकल लिए, फटाफट वहां पे निकले, कह रहे अभी लेके आऊंगा सामान, देखो अभी आने में महीना लग जाना है ना। अंकल निकल चुके हैं, अंकल ने फ्लाइट ले ली है ऑन द प्लेन है, वो ऊपर बैठे हुए प्लेन के ऊपर, कह रहे सीट नहीं मिली मैं ऊपर बैठ के आऊंगा। डकटेल ने डकटेल था, डकटेल बलू बन के बैठ गए प्लेन के ऊपर, बलू बन के बैठ गए अंकल। हर एक इंसान अलग अलग, शेन के पापा को लेने देख लो। मुझे लगता है शेन भी निकल गया, शेन भी निकल चुका है। शेन ने शेरवानी सिलवा ली, बट ठीक है कोई बात नहीं। हाँ बस 15 मिनट है शो खत्म होने में, राइट पर्सन है पंकज ने तुझे मैसेज लिख दिया, पंकज ने मैसेज लिखा है मुझे नीचे, पंकज भाई ने कह रहा एक बार मिलता है प्यार दोबारा नहीं मिलता, ऐसे लिखा है उन्होंने नीचे। हम एक बार जीते हैं, हम एक बार मरते हैं, उन्होंने पूरा ऐसे लिखा, मुझे लिखा है पंकज ने लिखा, हम एक बार जीते हैं, हम एक बार मरते हैं, हम एक ही बार प्यार करते हैं, वो भी फिटनेस ट्रेनर से, ऐसा लिखा उनका तो कुछ कुछ होता है वाला है। कोई बात नहीं, पर उनके अंदर प्यार है इतना, रोमा वो पूरा लिख रखा है उन्होंने, और डॉक्टर साहब ने भी नीचे गजल लिख दिया नीचे, मैं बता दूंगा आखिरी में राधिका के नाम के लिख दिया। पायल जी बताइए कि जिनका जैसे जिनका एकदम से शादी होने लगती है और टूट जाती है, वो तो उनके लिए कोई दवाई है आपके पास होम्योपैथी में? जनरली वो 23-24 साल की लड़कियां होती है, जनरली जल्दी यंग एज होती है, तो वैसा उनके लिए उनकी खुद की गलती होती है उनकी। राधिका तुम्हारे पे क्वेश्चन नहीं था, मैं तो रैंडम पूछ रहा हूँ तुम्हारे, तुम इसको तुम्हें कंसीडर नहीं किया मैंने। रैंडम बिल्कुल नहीं थी। हाँ हाँ सो गिव अ ग्रेट अप्लॉज यार टू यू यार, बहुत ही प्यारी ऑडियंस।